15 अगस्त आज़ादी के दिहाड़े मौके कदे भुलांगे और वह है साडे प्यारे इतिहासक गुरधाम जिहड़े साडे तो विछड़ गए, जिन्हां दी असीं रोज़ अरदास दे विच दर्शनां दी तांग दी इच्छा रखदे हां। आखदे हां ना श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे
सौ साल बाद ननकाणा साहब का शहीदी साके का शताब्दी समागम कर रहे थे असं, पर वाहिगुरु की ऐसी रजा हुई श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते समागम किया। गोदरपुर के वड्डा समागम किया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने और श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते समागम किया। तो उस समागम के पंथ नूं जिहड़ा है गुरु खालसा पंथ नूं जिहड़ा है ये आदेश किया कि जिन्हें भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर ने जिन्हिया भी साड़ियां जथेबंदियां सारे ही सौ साल ननकाणा साहब के शहीदी साके नूं समर्पित समागम करो। बड़े साधन संपन्न ने और उन्होंने बिजनेस के अंपायर खड़े किए हुए ने, चाहे बॉम्बे के सिख है, चाहे हैदराबाद के सिख है, चाहे कैलकटा के सिख है, चाहे लखनऊ के सिख है, चाहे तराई के सिख है, चाहे राजस्थान के सिख है। जो बिठाए ना ले जाके राजस्थान के अंदर तो उन्होंने जमीना के उत्ते कुछ नहीं सी हुंदा, जो बिठाए जाके तराई के खेत्र दे विच उते जंगलों तो सिवाए कुछ भी नहीं सी, लेकिन अज फसलां लहलहाउंदियां सिखां दी मेहनत दा बदौलत।
दिल्ली दे हारे हुए मुगल शासकों कि यमुना तो पार केड़ी कौम है जिहड़ी राज कर रही है, कहिंदे जी सिख है। कहिंदे सिख कौन है? पता उन्होंने की जवाब दिता मुगलों ने, जिहड़े हारे हुए मुगल सी, कहिंदे जी ये उजड़ लोग ने, जंगली लोग ने, बदतमीज लोग ने। वो कहिंदे जिस किस्म का यह कौम राज प्रबंध दे रही है, जिस किस्म का इस कौम का सैनिक प्रबंध है, ये जंगली नहीं हो सकते, ये बदतमीज नहीं हो सकते, ये उजड़ नहीं हो सकते, ये पागल नहीं हो सकते। पूछिए कि ये जंगलों च रहन वाली कौम विशाल राज भाग के मालक किवें बनी है? उन्होंने रतन सिंह भंगू नूं पुछिया जो विद्वान सी कौम का, रतन सिंह दसो सानू कि ताड़ी जिहड़ी कौम है जंगलों च रहिंदी सी, बियाबानां च रहिंदी सी, अज एडा विशाल शक्तिशाली साम्राज स्थापित करके दुनिया के बेहतरीन ढंग दे नाल चला रही है, इहदा राज की है? किम पातशाही सिंघन पाई, सिंघां ने पातशाही बादशाही किवें प्राप्त की है? तो उन्हें इक्को लफज दे विच उत्तर दिता सी कि सिंघां नूं बादशाह गुरु ने बनाया है, गुरु ने बनाया है सिंघां नूं बादशाह। कहिंदे हां जी असीं जंगलां च रहिंदे सी, साडे कोले घर भी नहीं सी, घाट भी नहीं सी, जमीन भी नहीं सी, जायदाद भी नहीं सी, एक छोलियां दी मुठ्ठी मिलदी सी खाण नूं रोज़, फिर एडा राज भाग कित्थों आ गया? कहिंदे जी गुरु ने पैदा करके दित्ता, गुरु ने बनाया, गुरु ने बनाया। कहिंदे गुरु ने किवें बनाता? कहिंदे जी असीं गुरु दे बण गए। प्रोफेसर पूरन सिंह होए ने एक पंथ दे अंदर बहुत ही उच्च कोटि दे सिख स्कॉलर, ना सुनिया होएगा, वो देहरादून दे विच बैठे सी ते इलाके दे जिहड़े सनातनी साधु सी उन्हां नूं स्वामी कहिंदे सी, स्वामी। एक वारी इलाके दे सनातनी जिहड़े साधु सी वो इकट्ठे होके प्रोफेसर पूरन सिंह कोल आए ते आके उन्हां नूं कहन लगे, स्वामी जी आप पर इतनी कृपा है ईश्वर की, हमें ये बताएं कि आप कितना नाम जपते हैं, कितनी बंदगी करते हैं, कितना भजन करते हैं, कितना तप करते हैं, आपके ऊपर बड़ी ईश्वर की कृपा है, कितनी बंदगी आपकी, कितना तप है, कितना भजन है आपका। प्रोफेसर पूर्ण सिंह जी कहन लगे उन्हां साधुओं नूं कि ऐ साधु जनों, मेरा कोई भजन नहीं है, मेरी कोई बंदगी नहीं है, मेरी कोई सेवा नहीं है, मेरा कोई सिमरन नहीं है। वो कहते नहीं जी, आप पर इतनी कृपा है ईश्वर की, यह कैसे हो सकता है कि आप भजन ना करें, बंदगी ना करें, सेवा ना करें, सिमरन ना करें, आप पर इतनी कृपा ईश्वर की कैसे हो सकती? तो प्रोफेसर पूर्ण सिंह ने एक शब्द किया उन्होंने साधुओं, कहते है साधु जनों, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर एक परंपरा है कि जदों भी पिता जिहड़ा है वो देखता है कि मैं बजुर्ग हो गया तो उहदी जायदाद जिहड़ी है उहदे पुत्रां दे विच तकसीम हुंदी है। कहिंदे हाँ जी हुंदी है, हर पिता अपने पुत्रां नूं जायदाद दे के जांदा है, किसी होर नूं नहीं दिंदा, वो अपने पुत्रां नूं दिंदा है। जे दो पुत्र है तो दोवां नूं वंडदा है, जे चार पुत्र है तो चारां नूं वंडदा है। कहिंदे हाँ जी, ये तो परंपरा है भारत के अंदर कि हर पिता की जायदाद दे विच्चों हिस्सा जिहड़ा है उहदे पुत्र वंडदे ने, तकसीम करदे ने। कहिंदे बस फिर ये समझ लो कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज मेरे पिता ने, तो मेरे पिता की बंदगी, मेरे पिता का तप, मेरे पिता की भगती दे विच्चों मैनूं हिस्सा मिल रहा है, मैं अपने पिता का पुत्र बनया, बस मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पुत्र बनया, तो जो मेरे गुरु दियां कमाइयां ने उहदे विच्चों मैनूं हिस्सा मिल रहा है, मेरे ते ईश्वर की कृपा है, मेरे ते वाहिगुरु की कृपा है। अज जरूरत है कि असी गुरु दे बन जाइए, फिर जो गुरु दा वो साडा। खंडे बाटे की पहल छकीए, गुरु दे बन जाइए, गुरु दे बन के गुरु दे भरोसे असी संघर्ष जारी रखिए,
यकीन जाणियो गुरु ते भरोसा रख के जे असी संघर्ष करांगे ना ते असी हथ ऐं करन वाले नहीं होवांगे, असी हथ ऐं करन वाले होवांगे, देन वाले होवांगे, लैन वाले नहीं होवांगे। असी इन्ना भरोसा इन्ना विश्वास गुरु ते करके देखियो जे। सिख संस्थावां साडियां ने, सिख संस्थावां ताकतवर होणगियां ते साडी ताकत बणनगियां, साडी सहायता करनगियां। संस्थावां दा असी साथ देना ते संस्थावां साडा साथ देण, इहदे लई असी जरूर यतन करांगे। इन्ने शब्द प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।